सबसे बड़ी मैच की शॉट ही वो थी जो इसने शाहिन शाह आफरीदी के ओवर में पहली बॉल पे छक्का मार दिया, फर्स्ट बॉल थी मेरे ख्याल से। जैसे ही वो आया बाद में लास्ट में डेथ ओवर्स में वो आया, आई थिंक 30-31 रन चाहिए थे चार ओवर में, चार ओवर में 30-31 रन चाहिए थे। अगर वहां पे शाहिन इसको आउट कर लेता मैच पलट सकता था, बट इसने बोला ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आज हम मैच जीत रहे हैं। ख्वाजा नफे को आप देखिए भाई, 200 की स्ट्राइक रेट से मारा है यार, कौन है ये? ये शक्ल से प्रीति जिंटा डिंपल वाला लड़का हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, देख अभी भी दोनों गालों में डिंपल बॉय। ये डिंपल इज नॉट सिंपल, और इसको राइली रूसो ने बोला भाई तूने करके दिखाया, और पूरी टीम को देख लो, जेसन रॉय 19/24 126 की स्ट्राइक रेट। चलो साउथ शकील थोड़ा अच्छा खेल गया, उम्मीद से बेहतर खेल गया, 173 की स्ट्राइक रेट। मगर उसके बाद देखो राइली रूसो 13/18 कुछ नहीं, सरफराज अहमद 8/11 कुछ नहीं, रदरफोर्ड 12/14 कुछ नहीं, अकील हुसैन 9/9, मतलब सबने। अगर ये आउट हो जाता ख्वाजा नफे तो ये मैच हार जाते। अकेला मारता रहा, 3 छक्के मार दिए, 4 चौके मार दिए, और ये 3 छक्कों में भाई 2 छक्के टेपिया को मारे हैं और 1 छक्का शाहिन शाह आफरीदी को मारा है। शॉट ऑफ द मैच शाहिन शाह आफरीदी को पड़ी है। और इकोनॉमी रेट देख लो आप, एज यूजुअल टेपिया मेरा भाई, एज यूजुअल 4 ओवर में 47 रन्स। एवरीथिंग एल्स इज परमानेंट, एवरीथिंग एल्स इज टेम्पररी, टेपिया कुटाई इज परमानेंट, हर बार मार खाता है। जमान खान अच्छी बोल, देखो इन दोनों बड़े बड़े धुरंधरों से एक किस मुंह से खेलेंगे वर्ल्ड कप, वैसे ये बताओ। शाहिन शाह आफरीदी को मार पड़ रही है, हारिस रॉक को मार पड़ रही है। मान लिया शाहिन आफरीदी ने एक अच्छी यॉर्कर मारी, बोल्ड भी उसने किया, लेकिन कोई कॉन्सिक्वेंस की विकेट नहीं है ना यार। जो मेन बैटर है जो तुम्हें ठोक के चला गया, फयाज टक्कर को भी नॉक की इकोनॉमी है, सिकंदर रजा ने थोड़ी बहुत ठीक बॉलिंग कर ली, जहानदाद खान वो भी 11 की इकोनॉमी, मतलब सारी सबकी बिटाई हुई है। और अब ये देखो कि यार ये पिछला मैच भी 2 ओवर पहले हार गए थे, आज भी 1-2 ओवर पहले मैच डेड हो चुका था। क्या था खत्म, लास्ट ओवर में 5-4 रन चाहिए, 2 ओवर में 11 रन चाहिए, 4 ओवर में 30 रन चाहिए, नथिंग। मैच तो बहुत पहले हार गए थे, पैनिक नहीं किया, बैटिंग पे आ जा, बैटिंग पे। डिफरेंस तो यहीं पर था ना कि अगर लाहौर कलंदर की टीम 9 ओवर के अंदर 60 रन पूरे कर रही है और दूसरी तरफ सिर्फ 6 ओवर से पहले ही अगर आप देखो तो 60 रन पूरे हो गए थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के, मेन डिफरेंस हो ही वहीं गया था कि स्टार्ट ही इतनी ज्यादा पावर सॉलिड हो गई। और आप ये देखो कि साउथ शकील ने एक आपको बहुत अग्रेसिव स्टार्ट दी, साउथ शकील ने आपका वो एक नींव रखा, स्टार्ट अच्छी दी। उसके बाद ख्वाजा नफे जैसे ही नंबर 3 की पोजीशन पर आते हैं, अब ये देखो कि 22 साल का ये लड़का ख्वाजा नफे, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक T20 लीग्स होते हैं ना वहां पर भी ख्वाजा नफे अपने नो लुक 6 के लिए बहुत फेमस है, और आज इन्होंने हारिस रॉफ को भी नो लुक 6 पे दे दिया यार। और इसने देख, आप इस लड़के की मैं क्यों तारीफ कर रहा हूं, मेरे को मैच विनर ऐसे बड़े पसंद आते हैं जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तान का क्रिकेट ही अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, पता नहीं क्यों ये लोग बाबर आजम ये फालतू। चलो अब तो वो भी थोड़ा सा अग्रेसिव खेलने लगा 160 की स्ट्राइक रेट से, लेकिन ये 200 की स्ट्राइक रेट, ये है मैच फिनिश करने वाला काम, ये है कि मैच को डेड कर दिया कि चांस ही नहीं है ऑपोजिशन पे। आ जाओ कितने बड़े खलीफा हो तुम, शाहिन आफरीदी तू आ जा, टेपिया तेरे को तो मारूंगा ही मारूंगा। टेपिया ने पहली बॉल पे छक्का खाया, फिर टेपिया ने आउट भी कर दिया उस ओवर में। किसको आउट किया भाई उसने, उसको आउट करा था टेपिया ने पहले राइली रूसो को आउट भी कर दिया कैच पे। उस ओवर की लास्ट बॉल पे फिर से छक्का मार दिया, मतलब कि ये लास्ट बॉल या लास्ट बॉल से पहले वाली बॉल थी, मतलब कि ये रुका ही नहीं, इसने कभी भी प्रेशर लिया नहीं, प्रेशर दिया। और इस मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इतना खूबसूरत मोमेंट था। मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कि सीनियर जो है ना वो जूनियर क्रिकेटर्स को हमेशा एनकरेज करें, तो दिस वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। कि आज भाई ये नफे ने जब टेपिया को, तो मैं अगेन बोलूंगा पूरी दुनिया पीटती है भाई टेपिया को, तो ये पांडे जी छक्का मार देंगे, लक्षित भी, मतलब लक्षित मुश्किल है थोड़ा सा उसके लिए, लेकिन फिर भी मार देगा टेपिया, ऐसा बॉलर है। लेकिन शाहिन शाह आफरीदी को डेथ के अंदर, जब आप इतने एक्सपीरियंस बैटर नहीं हो, वो कप्तानी कर रहा है लाहौर कलंदर की, और वो वैसे भी पाकिस्तान का कप्तान है भाई, वो पाकिस्तान का कप्तान है, वो उसको तुमने छक्का मार दिया, वहां पे मैच खत्म हो गया। कि 1% जो चांस था ना, वैसे तो मैच पहले ही खत्म कर दिया था इस नफे ने, ख्वाजा नफे ने, लेकिन 1% चांस जो बचा हुआ था ना कि शायद शाहिन शाह आफरीदी एंड में आके, मैं होप कर रहा था बिकॉज मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा था कि भाई शायद वो एंड में आके कुछ कर दे, ना भैया ना, उसने बोला नथिंग डूइंग, मैच यहां पे मैं डेड कर रहा हूं यार। ये तो 210 भी चेस कर जाता आज जिस तरीके से खेल रहा था, बिकॉज आप ये देखो ना, जब 24 गेंदों में तकरीबन रन बॉल वाला मामला आ गया था वो शाहिन के छक्के के बाद, उसके बाद इसने फालतू का रिस्क लिया ही नहीं। जैसे कि ख्वाजा नफे को पता था कि यार अगर मैं रिस्क लूंगा मेरे पीछे बैटिंग नहीं है
तो इस लड़के ने आज आपको इतनी ज्यादा सेंसिबली बल्लेबाजी करके दिखाई है, बट फिंगर्स क्रॉस में कहते हैं जो टैलेंट इन्होंने आज यहाँ पर दिखाया है ये आगे जाते हुए कंटिन्यू रहे, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर हमने बहुत टैलेंट देखे आया लेकिन डिमिनिश बहुत जल्दी हो जाता है, या डिमिनिश ना हो ऐसी कंटिन्यू हो। पाकिस्तान में प्रॉब्लम एक ही है, अब मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, चाहे आपको कड़वी लगे चाहे जो भी लगे, साहिब अयूब था इनका, इन्होंने बहुत हाइप करा कि साहिब अयूब को खिलाओ साहिब अयूब को खिलाओ, वो भी कराची का लड़का था मेरे ख्याल से, ये भी कराची का बच्चा है ना, ये क्वेटा से खेल रहा है। अब क्योंकि मैंने इतना ज्यादा पॉडकास्ट करा, आपको पता है स्पेसेस सेशन करा पाकिस्तानियों के साथ, तो मेरे को जो चीजें नहीं भी पता थी ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन जब आपका पब्लिक के साथ होता ना आपको अंदर की बात पता चलती है, कराची वालों के साथ अनफेयर तो होता ही है ये तो प्रूवन फैक्ट है, जितना मैंने सुना है वो ऐसा ही नहीं रोते, ये सच बात है। सरफराज अहमद को भी अगर इन्होंने इतना देखो बाबर आजम ने जिताया क्या, कुछ भी नहीं, उसको इन्होंने हीरो बना रखा है, सरफराज अहमद का मजाक उड़ाते हैं जबकि वो जिता के आया हुआ है, चलो ठीक है अब वो नहीं खेल पा रहा भाई, लेकिन पहले तो कुछ करा है, इज्जत तो देते। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये साहिब अयूब को लेके गए, कहां लेके गए जी, न्यूजीलैंड लेके गए, न्यूजीलैंड में पहले मैच में कैसा, ऑस्ट्रेलिया गया था न्यूजीलैंड गया था ना, न्यूजीलैंड वाले पहले टी20 में कैसा खेल रहा था लक्षित, आग लगा दी थी, हम तो सुबह बैठ के टी20 देखते थे, रन आउट हो गया था, रन आउट हो गया था, उसके बाद से उससे पूरी पूरी सीरीज में खेला नहीं गया। मैं यहाँ पे बैठ के सोचा, मैंने बोला यार इसको हुआ क्या, ये इतना अच्छा टैलेंट था, बाद में मुझे समझ में आई जब ये सीरीज हार गए तो इनके जो वाइस कैप्टन है भाई साहब अपना रिजवान जी मौलवी साहब, वो आके क्या बोल रहे हैं ना, वो आके कह रहे हैं कि यार हमने गलती करी, पैराफ्रेज कर रहा हूं थोड़ा, हमने गलती करी कि बाबर आजम को हमने ना ओपनिंग से हटा दिया, यार कुछ शर्म करो कि आपका एक, ये तो पहले ही क्लियर हो गया कि टीम फिर खुश नहीं है कि साहिब अयूब को ओपनिंग का स्लॉट मिला है, आप एक यंगस्टर को खिलाते हो उसको बैक नहीं करोगे, वो तो वैसे ही डर जाएगा यार बाबर रिजवान इनकी शक्लें देख के, है तो ये पाकिस्तान के लिए हीरो ना, अगर हमारी टीम में कोई नया बच्चा आए विराट कोहली उसको बोल दे कि अब तू क्यों ओपन कर रहा है, मैं ओपन करूंगा तेरे को, यशस्वी जायसवाल भी आया वो ओपनिंग स्लॉट पे आ गया, विराट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दे कि जी यशस्वी जायसवाल को हमने ओपनिंग करा के गलत करा, उसका तो आधा करियर वैसे ही वो तो सदमे में चला गया, इसीलिए साहिब अयूब से पूरे सीरीज में बैटिंग ही नहीं हुई। अगर आप ये जैसे ये है अपना भाई ये जो आया मेरा प्रीति क्या नाम है, ख्वाजा जी आए, अब ख्वाजा मेरे ख्वाजा को अगर आप ढंग से बैक करो जैसे शाहीन ने आज उसके सर पे हाथ रखा, फर्जी मत करो भाई, चांस देना है पूरा दो, पूरी सीरीज दो, फेल हो गया कोई बात नहीं बेटा, आपका पहली सीरीज है, हम तो बचपन से फेल होते आ रहे हैं, सीधा बोलो उनको हमने क्या जिता दिया, हम तो मैथ्यू वेड से 3 छक्के खा के आ रहे हैं भाई, हमें तो डेविड वार्नर ने नहीं मारा, स्टॉइनिस नहीं मारा, वेड मार गया, तो वैसे ही आ रहे हैं हार के, कोई बात नहीं आपको पूरा बैक करते हैं, वो कॉन्फिडेंस अगर आप दोगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी आगे आ रहा होता ना उसको 10 लोग और स्पेशली पाकिस्तान सोसाइटी 10 लोग उसको नीचे खींचने लग जाते हैं, ये प्रूवन फैक्ट है। सरफराज अहमद कप्तान बना, नीचे खींचने की प्रोसेस शुरू, इवन बाबर आजम कप्तान बना, नीचे खींचने का प्रोसेस शुरू, अभी आप देखना शाहीन अफरीदी 76 पढ़ने शुरू हो जाएंगे, अभी से देख लेना। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, लाहौर वर्ल्ड कप हारे, दो मैच हार जाए वर्ल्ड कप, लाहौर कलंदर का अगर तो उसने मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप नहीं खिलाया ना लक्षित, जिस तरीके से हारिस रॉफ बॉलिंग कर रहा है और स्पेशली जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, हारिस को तो मैं बॉलर मैं तो मानता हूं टेपिया तो रन देने के लिए आता है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जितनी एवरेज बॉलिंग कर रहा है, बिलो एवरेज, ओडिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दोस्त मेरे फोन करके बोल रहे देखो सुशांत भाई उसकी विकेटें देखो, मैंने बोला कौन सी विकेट ली है भाई ये तो देख लो, ऊपर से विकेट दिलाना तू बोलर है तो, तेरे को ऊपर से तो ठोक ठाक के चले जाते, टेलेंडर की विकेट लेके क्या करेगा, तो शमी की विकेट देखो आप, शमी ने जो विकेट्स ली है, तेरी विकेट से फायदा क्या था, तो वही वाली बात है भाई कि यहां पर शाहीन शाह अफरीदी को ये सोचना पड़ेगा, ये कोई मजाक नहीं रह गया, लाहौर कलंदर बॉटम ऑफ द टेबल आ गई है, पीएसएल हमने देखना क्यों शुरू करा है कि हमको ये पता चलेगा पाकिस्तान कितने पानी में है, और ये पानी में नहीं है ये दरिया में डूब रहे हैं इस टाइम पे, ये जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, जिस तरीके से हारिस रॉफ बॉलिंग कर रहा है, इनको चाहिए कि मोहम्मद आमिर को, वैसे क्वेटा की बैटिंग क्या है, कुछ भी नहीं है, क्वेटा की बैटिंग कुछ भी नहीं है, तुम्हें बच्चा ठोक गया यार, तुम्हें बच्चा ठोक गया भाई, तुम इतने बड़े बड़े बॉलर 187 कहीं से भी कम रन नहीं होते बॉस, दूर दूर तक कम कहीं से भी, तुम्हें साउथ शकील मार गया, साउथ शकील T20 टीम में भी है, नहीं है टेस्ट प्लेयर है वो, साउथ शकील T20 टीम में भी है, तुम्हें साउथ शकील ठोक रहा है और उसको भी जमान खान ने आउट करा, तुमसे आउट भी नहीं हो रहा, शाहीन अफरीदी ने किसको आउट करा वैसे, शेन रदरफोर्ड बताइए आप, उसने किसको तुक्के से आउट कर दिया, राइली रूसो, और जिस ओवर में आउट करा हारिस रॉफ ने उस ओवर में 2 छक्के खा गया, ये कौन से बॉलर है भाई, ये कहां के बॉलर हैं, ये इनसे अच्छी तो जमान खान बॉलिंग कर रहा है, इनसे लाख गुना अच्छी, 100 गुना अच्छी बता रहा हूं मैं आपको,
मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहा, उसको खिला लो आप, आज भी अच्छी बॉलिंग करी उसने, आज भी एंड में सिकंदर रजा को ना आउट करता 200 बन जाता। सो आई थिंक वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। शाहिन शाह अफरीदी की तो भाई बॉलिंग बड़ी बिलो एवरेज जा रही है, और ये नफे ने आज इनका जो नफा नुकसान करके चला गया भाई। नफे ने नुकसान, लेकिन इसकी बैटिंग देख के बच्चे की मजा आ गया। नफे ने नुकसान भी किया लेकिन अपना फायदा करवा लिया जिस तरीके से, क्योंकि आप देखो ना किस टीम के अगेंस्ट मारा है, उस टीम का कप्तान पाकिस्तान की नेशनल साइड का कप्तान है, तो आपने उस टीम को पकड़ा कि जो आप यहां पर अगर रन बनाओगे तो सीधे सीधे आप पाकिस्तान के कप्तान के सामने रन बना रहे हो, और उसी के अगेंस्ट छक्का भी लगाया आखिर में जब मैच खत्म करना था। तो ये कहीं ना कहीं पहले इनिंग में, इनफैक्ट कोई भी यंगस्टर अगर डेब्यू कर रहा होता है किसी भी लीग में तो वो ये सोचता है कि मौका मिले इस तरीके का, दूसरा मैच खेल रहे हो आप इतने प्रेशर सिचुएशन में, जेसन रॉय आपके लिए आउट हो गए, वहाँ पे शाउट शकील आउट हो गया, राइली रूसो आउट हो गए, सारा दारोमदार आपके ऊपर एज अ यंगस्टर, और कहीं से भी नजर नहीं आया कि प्रेशर में दिखा। एक होता है ना कि यंग हो, अच्छा आप दूसरा गेम खेल रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर आ गया, रिक्वायर्ड रन रेट है, चेस करना किस तरीके से करेंगे, शाहीन को प्लान करके चेस किया इसने। उस सिक्स के बारे बात करेंगे और पूरा इसको डिस्कस करते हैं। टेपिया को तो चलो ठीक है, नो लुक सिक्स मारा, लक्षित ने बोला भाई नो लुक सिक्स का चैंपियन है, डोमेस्टिक मारता, दिखाते रहो फोटो यार, आज तो इसका दिन है, और भी इसका फोटो निकाला, डिम्पल वाली तो आपने निकाली नहीं, जहां प्रीति से शक्ल मिल रही है, हेलमेट वाली निकाल दी आपने, प्रीति वाली निकाले आप। तो ये है कि भाई ये प्रीति जिंटा जो है अपना पाकिस्तानी, ये भाई इसने जो छक्के उसको तो मारा नो लुक सिक्स, और उसके बाद आउट होने के बावजूद मार दिया, वो तो दिखाता है कि भाई ही हैज नर्व्स ऑफ स्टील, और प्रेशर नहीं लग रहा था इसकी शक्ल में, इजी चेस करी है इसने नफे ने। लेकिन मैं सच्ची में बता रहा हूँ, इस मैच की बेस्ट शॉट वही थी, शाहिन शाह अफरीदी बॉलिंग करने आया, चार ओवर में 31 रन चाहिए थे, पहली बॉल पे ओवर के इसने छक्का मार दिया, वो राउंड द विकेट आया, हल्की सी शॉर्ट लेंथ गेंद थी, हल्की सी, ज्यादा नहीं थी, उसको इसने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया सामने, बिल्कुल पावर देखिए आप, जहां पे ये कल हमने देखा पोलार्ड से बाउंड्री नहीं टपरी, ये रदरफोर्ड को आज आपने देखा नहीं जा रहा, कैच हो रहे हैं लोग, छक्का नहीं मारा जा रहा, इसने कितनी ईज से पीछे हट के, मतलब एक तो इसका मेरे को अच्छा लगा बैलेंस, सॉलिड बैलेंस है, हेड स्टिल रहता है, बॉल आ रही है कहीं पर भी हिलता डुलता नहीं है ज्यादा, बिल्कुल क्लीन मारता है। बाबर की भी यही स्ट्रेंथ है बाय द वे, कि हेड स्टिल रहता है, क्लीन रहता है, लेकिन बाबर बहुत ज्यादा लेट खेलता है, ये पिक कर रहा जल्दी, इतनी यंग एज में इतनी जल्दी पिक कर लेना, चलो शाहिन अफरीदी की पेस गिर गई है, बट कम बॉलर नहीं होता वो, 6 फुट 4-5 इंच का बॉलर है वो, आसमान से बॉल आ रही है, उसकी पेस गिर गया, बट हारिस की तो पेस है, 150 की पेस है, और ये देखिए आप प्रीति जिंटा, अब लग रहा है कि नहीं लग रहा प्रीति जिंटा, तो उस टाइम पर उसको पहली बॉल पे जब इसने छक्का मारा है ना, मैं उस शॉट से बहुत इंप्रेस था, और तब मैंने बोला था कि भाई ये लड़के में दम है, इसका एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा मुझे, मुस्कुरा रहा था, बाद में भी यू नो एक चैंपियन क्रिकेटर की ये पहचान होती है भाई, बड़ी यंग एज से ना दे हैव अ वेरी वाइज हेड ऑन देयर शोल्डर्स। So I loved how he batted. I just hope कि consistently run बनाए और positive energy इसको पाकिस्तानी cricketers भी दे, इससे ज़्यादा जले ना, because वहाँ पे jealousy factor बहुत ज़्यादा आ जाता है, और इसको back करे ताकि पाकिस्तान की team में भी जल्दी जल्दी आए और runs बनाए। यार थोड़ा सा ना जलने का factor ज़्यादा हो सकता है, reason being इनकी जो position है वो बिल्कुल same to same बाबर आजम की position है, number 3 पर बाबर आते हैं, number 3 पर ख्वाजा नफे आते हैं, और अगर आप इसमें एक बात देखें जो इन ओडीआई वर्ल्ड कप अगर बातें कही जा रही थी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स की तरफ से भी कि पाकिस्तान के टीम के अंदर कैप में चीजें उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर की परफॉर्मेंस खराब है, अगर कहीं पर भी आप शाहिन शाह अफरीदी बाबर का कोई रिप्लेसमेंट चाहते हैं, नंबर 3 का बल्लेबाज चाहते हैं, उसके अलावा कोई बल्लेबाज इतना ईजी दिख नहीं रहा था, लेकिन अब ख्वाजा नफे का अभी के लिए तो जो आज के मैच में किया वो एक दरवाजा खोलता है, और पाकिस्तान जितना जल्दी प्लेयर्स को उठा के इंटरनेशनल में आपने कल बाबर, आपने कल बाबर का मैच देखा, कल बाबर का मैच देखा, कल आपने बाबर का मैच किसके साथ हुआ था, इन्हीं के साथ था, इन्हीं के साथ था, क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ, क्वेटा के साथ, उसने रन भी मारे, उसने 160 की स्ट्राइक रेट से रन मारे, अच्छे मारे, लेकिन जब डेथ के ओवर्स आए वो आउट होके चला गया, और भगवान झूठ ना बुलाए, प्लीज आप कल देख लीजिए, कल का मैं लाइव सेशन में बैठा था, जैसे ही बाबर के 60 रन हुए उससे उसी टाइम मैंने बोल दिया था अब ये आउट हो जाएगा और इसकी टीम हार जाएगी चेज में, और वो ही हुआ कि उसी टाइम वो आउट हो गया और उसकी टीम भी हार गई। आज ये लड़का आउट नहीं हुआ बॉस, उसने मारे 160 की स्ट्राइक रेट से रन, इसने मारे ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से रन, और ये चेज पूरी ले गया और चेज कर दिया इसने, और इतनी यंग एज पे, और अच्छी बात क्या है कि भाई कहीं पर भी लगा ही नहीं कि फंसा हुआ है मैच, हमें लग रहा था अब फंस जाएगा, अब विकेट आ जाएगी, दूसरे एंड से बाय द वे विकेट्स भी जारी थी, बड़े सारे लोग बोलते हैं भाई बाबर के अकेला जिता रहे सुशांत भाई, अकेला खेला, आज इसने अकेला नहीं जिताया, अकेला खेला ना वो, अकेला ही जिताया उसने, और एंड तक लेके गया स्मूथ क्लीन, कोई टेंशन नहीं है।
दिस इज द डिफरेंस. इसीलिए इमामुल हक ने ऑन एयर ये बात बताई थी कि बाबर आजम ने उसको खुद बोला था कि यार मुझसे मैच फिनिश नहीं होता, मैं क्या करूं. कोई नो, वी आर नॉट हेटिंग ऑन बाबर आजम, बट वी आर जस्ट टेलिंग यू कि आपको अपने नेशन के लिए बेस्ट देखना है. भाई हमारे यहां पर ये तक बातें होती है कि विराट कोहली को ड्रॉप कर दो. जो टीम के लिए बेस्ट है वो होना चाहिए. क्या बाबर आजम आपकी टीम के लिए बेस्ट है? क्या उसका 50 आता तो आप मैच हारते हो या जीतते हो, ये बता दो जरा. जब जब उसका स्कोर आता है पाकिस्तान हार जाती है. और ये तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे खुद बोल चुके हैं वर्ल्ड कप देखते हुए कि भाई अगर बाबर आउट हो गया ना तब हम जीत जाएंगे. सो चलो बाबर की बात अलग है, लेकिन नफे ने आज दिल तो जीत लिया. लक्ष्य नफे ने ब्यूटीफुल बैटिंग, और ना नफे ने एक बहुत शानदार चीज दिखाई. अगर आप नफे की बैटिंग को बहुत बारीकी से जाकर देखोगे, नफे ने एक चौका लगाया था थर्ड मैन की दिशा में, ठीक है, वो दिखाता है नफे के अंदर नजाकत है. नफे ने जो शाहिशा को मारा था, और नफे ने जो शाहिशा फरीदी को छक्का लगाया, वहां पे दिखाया ताकत है. तो नफे इज दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर, वैसा एक खिलाड़ी जिसके अंदर ताकत भी है, इसके पास नजाकत भी है, इसके अंदर वो कला भी है कि हारिस रॉफ के पेस को यूज करके मैंने छक्का भी लगा दिया, मैंने शाहिशा फरीदी की थोड़ी सी लो पेस बॉल पे पावर डाल के उस पर भी छक्का लगा दिया, और मैंने बहुत एक क्लास के साथ थर्ड मैन पे चौका भी लगा दिया. और एक होता है कि प्लेयर में बैटिंग है, ठीक है, और प्लेयर में बैटिंग एक बात होती है, एक बात होती है गेम सेंस रीड करना. बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, इसकी गेम सेंस इतनी ज्यादा प्यारी. भाई साहब उधर आपका कप्तान आउट हुआ है, राइली रूसो आउट हुआ, इसको पता प्रेशर बनेगा, इसने कभी भी रन रेट का दबाव ही नहीं आने दिया, छक्का मार दिया. जहां लग रहा रन रेट का दबाव वहां चौका छक्का आ गया. क्योंकि जो भी सुशांत भाई ने कहा ना कि हमें लग रहा था मैच बन गया लेकिन फिर मैच चले जाता था, वो यही था कि जो आपका एक एंकर बैटर वहां खड़ा है, जो जीत की पटकथा यानी कि जीत की कहानी लिख रहा है, वो बहुत प्यार से गेम रीड कर रहा था. अकेला ले गया यार. वही आज नफे कर रहा था. कभी रन रेट का दबाव नहीं बढ़ने दिया, जो साथ में बैटर आया उस पर नहीं दबाव आने दिया. भला सरफराइज आया, भला रदरफोर्ड आया, चौके सब आउट हो रहे थे यार. देख सरफराइज आउट हो गया, रदरफोर्ड आउट हो गया, राइली रूसो आउट हो गया, सब के सब तो आउट ही हो गए थे. अकेला ही जिताया ना उसने, ऊपर से साउथ शकील ने 40 रन मारे. बाकी यार 180 का चेस था ये, बिल्कुल 187 बाय द वे, ऑलमोस्ट 190. यू ऑलमोस्ट नीडेड 10 रन पर ओवर, ऐसी गेम में. और जहां पे बोलर्स आपके पाकिस्तान खेले हुए बोलर्स हैं भाई, वो तो बच्चा है. ये हारिस रॉफ, टेपिया जी, ये ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेले हुए है ना, ये शाहिशा अफरीदी तो अब कप्तान भी हो गए, जमान खान खुद खेल चुके हैं, वो भी कोई हल्का बॉलर नहीं है, वो भी यॉर्कर में बोल्ड मार रहा है. ठीक, जमान खान ने आ रहा कि उनसे बेटर बॉलिंग कर दी, तो इनके पास इतना एक्सपीरियंस. एक एंड से विकेट भी जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, लेकिन वो बंदा कहीं पे भी हिला नहीं, और मतलब नर्वस नहीं हुआ नहीं। उसके लिए मोमेंट में ये नहीं हुआ कि चलो यार मैं अपने रन बना लूं, या मैं, उसने टीम को जिता दिया, खत्म करके रख दिया मैच. एंड व्हाट आई आल्सो लाइक्ड अबाउट हिम पांडे जी इज दैट ही हैज ऑल द शॉट्स इन द बुक. आप देखो टेपिए के दो छक्के बिल्कुल अलग है, एक स्क्वायर पे मारा छक्का, नो लुक सिक्स, निकल के थोड़ा शफल करके यहाँ पे मार दिया. दूसरा कहाँ मारा था? थर्ड मैन पे पेस का यूज किया, मार दिया पेस का यूज किया, दूसरा निकल के यहाँ मार दिया. अच्छा ये दोनों सिचुएशन आपने देख ली कि स्क्वायर ऑफ द विकेट पे बहुत प्यारा है. शाहिद अफरीदी को कहाँ छक्का मारा? स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड पे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन पे छक्का मारा. मुश्किल होता है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारना, तो और किस सिचुएशन में मारा? जब मैच फिनिश करने की बारी थी, जब विकेट भी गिर रही थी. तो आई थिंक ही हैज ऑल द शॉट्स इन द बुक. स्ट्राइक रोटेशन की बात हो, चौके मारने की बात हो, छक्के मारने की बात हो, पावर भी है, एज लक्षित ने बोला नजाकत भी है. जो लेट कट सिकंदर रजा को दिया था चौके के लिए, सिकंदर रजा बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, उसको भी चौका मारा, तो स्पिनर को भी खेला, पेसर को तो मारा ही मारा, और आपके पाकिस्तानी कैप्टन को तोड़ के रख दिया. एक तरीके से एम्बेरस हो गया था शाहिशा अफरीदी, वो उसका बड़प्पन है शाहीन का. मैं बिल्कुल उसको पूरे नंबर्स देता हूँ कि उसने आके उसके सर पे हाथ रखा और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करा, और ये बहुत अच्छी फोटो है, हमेशा करना चाहिए, बड़प्पन है उसका बहुत ज्यादा. लेकिन व्हेन दे वर इन द ग्राउंड, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, तब आप कॉम्पिटिशन में हो, आप कंपेटिटर्स हो, आप वॉरियर्स हो, वो अपनी टीम के लिए खेल रहा, आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हो. उसने आपको लिटरली एम्बेरस कर दिया बच्चे ने, वो छक्का नहीं चपेड़ी थी, वो जो सीधा मारा था भाई. मैं हिल गया, राइली रूसो के आउट होने के बाद किसके रन आए? किसी के रन नहीं है. राइली रूसो जब आउट हुआ था उसके बाद भी 90 के अराउंड रन चाहिए थे. जब वो आउट हुआ था तब भी 80-90 के अराउंड रन चाहिए थे. उससे आपको और बेहतर पता लग जाएगा, क्योंकि जब राइली रूसो आउट हुआ था ना उसके बाद तो ऐसा नहीं था कि मैच में लाहौर नहीं था, लाहौर की टीम पूरी पूरी मैच में थी वहां पे. उसके बाद सरफराज अहमद ने 137 के स्ट्राइक रेट से 8 बॉले खा ली, ये रदरफोर्ड ने 12 बॉले खेल ली, तो इन्होंने आपस में 20 बॉले खा ली.
उस केस में रन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बढ़ सकता था, लेकिन टाइमली बाउंड्रीज जो लगाए ना बीच बीच में, उसने ये चीज नहीं होने दी। जो हम कह रहे थे कि 8 ओवर में अराउंड 67 रन चाहिए थे, हालांकि वहां भी मैच बन सकता था अगर ये कहीं आउट हो जाता, जिस ख्वाजा नफे ये हार जाते ये मैच नहीं जीते, कोई नहीं जीता सकता। आप देखो 101 रन थे, 3 है, 130 पे 4 है, अभी भी देखो 57 रन चाहिए, 58 रन, मैं वही बता रहा हूं। आखिरी के 7 ओवर में फिर भी 3 है, सरफराज अहमद आउट हुआ 130 पे 4, वो भी गिरन बॉल खेला, बिल्कुल रदरफोर्ड ने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, अकेला जिता गया भाई वो बंदा इस मैच में। से हम ख्वाजा अकेला जीता है, हम यहाँ पर सुपर चैट दिखा दीजिएगा, अकेला नहीं जीता है मैं, पर लास्ट में आपको साउथ शकील का कंट्रीब्यूशन लगता है, मेन बंदा देखो प्लेयर ऑफ द मैच भी वही है नफे।